Hey guys, welcome back to my channel. This is Shivi Vyas and you are watching Shivi Stories. So guys, आज तीज है और आप सबको हैप्पी तीज, जितने भी लेडीज है प्यारी प्यारी. और उसके अलावा मुझे हो गया है कोल्ड बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कल बारिश में 3 बार भीग गई, तो बहुत तेज़ कोल्ड हो रहा है, गला भी ख़राब हो गया मेरा. तो कॉलेज जाना है और तीज की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उसके लिए आप फटाफट से रेडी होते हैं. तो अब मैं कॉलेज आ गई हूँ और सुबह से बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मतलब लगातार हो रही है. अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई थी और कॉलेज भी आना था, क्योंकि आज से सेशन स्टार्ट हुआ है. तो कॉलेज भी आई हूँ और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है. ऊपर से जो साड़ी मैंने बनवाई थी तीज के लिए वो ख़राब हो गई, और उसके रिप्लेसमेंट में एक और साड़ी थी मेरे पास ऑल्टरनेटिव, बट वो साड़ी मैं इसलिए पहन के नहीं आ सकती थी क्योंकि सीधा बारिश, इतनी गंदी बारिश पड़ रही है ना, इतनी गुस्सा आ रही है. मैं तैयार भी नहीं हो पाई तीज के लिए, मैं नॉर्मल सूट पहना है मैंने और मैं कॉलेज आ गई हूँ, क्योंकि बारिश में साड़ी में तो मैं आ ही नहीं सकती थी. मेरी नई साड़ी थी, बिल्कुल ख़राब हो जाती वो, और ऊपर से हस्बैंड के साथ आई हूँ, खुद भी नहीं आई, मैं स्कूटी से भी नहीं आई क्योंकि स्कूटी मुझसे चल ही नहीं पाती, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और कॉलेज आना था, इम्पोर्टेंट था, तो आ गई हूँ बस. मन मेरा दुखी है क्योंकि मैं उस हिसाब से तैयार नहीं हो पाई जैसे मैं सोच रही थी. मुझे क्या लगता है ना, जिस चीज़ का जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो ना, वो उतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है. मतलब तीज वगैरह का हमेशा से ही, बचपन से ही थोड़ा बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट रहा है कि नए कपड़े पहनेंगे ये वो करके. तो मतलब सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो गया, मतलब ये कह भी रहे थे मुझसे मेरे हस्बैंड कि क्यों ही मूड ख़राब कर रही हो, अभी पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है, बाद में तुम, मैं घर भी जाऊंगी अभी तो तैयार हो जाना, क्योंकि अभी मुझे गौरा पूजन करने के लिए भी जाना है मंदिर, घर जा कर के मतलब शाम में. तो मैं सोच रही हूँ तो मैं तैयार हो जाऊंगी, थोड़ा मेरा मूड रिवाइव हो जाएगा, नहीं तो पूरे दिन क्लसती रहूँगी कि मैं तैयार नहीं हो पाई, मैं नए कपड़े नहीं पहन पाई. ये कॉलेज के बैक साइड का एरिया है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, लेकिन तुम बारिश पर ध्यान दो, बारिश कितनी तेज़ है. एक तो मेरा फास्ट है, ऊपर से मैं खाने के लिए मतलब 2 केले लेकर के आ गई थी, मम्मी ने सुबह दे दिए थे, और वो मैंने क्या करा, मैं पॉलीथिन में लेकर के आ गई कि मतलब कि ख़राब ना हो जाए, बैग में रख करके मतलब डायरेक्टली ऐसे रखूँगी तो. और अभी क्या हुआ ना, पॉलीथिन में वो ऑक्सीडाइज हो गए, और अब मुझे आ रही गुस्सा क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से पूरे दिन का व्रत है वो भी मीठा, तो मतलब मुझे लग रहा है मैं क्या खाऊँ करके. मेरी होशियारी, मैं इसको पॉलीथिन में लेकर के आ गई और सारे ऑक्सीडाइज हो गए, देखना क्या हालत हो गई इसकी. एक और है इसका भाई, उसकी भी ऐसी हालत हो गई. हमारे साथ के जो HODs हैं, उन्होंने कहा कि मेरे केले जो है जो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, वो पहले से मतलब वो भी लोग फ्रूट्स लाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसका फास्ट है तो वो ये खा लेगी. हाँ सुंदर लग रहा है आज आप. मेरा मूड ख़राब था सुबह से, लेकिन अब आकर के ठीक हो गया. देखो हमारे आसपास के लोग ना अच्छे हों, प्यारे हों, तो हमारा मूड और ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है. और वो देखो उनमें से ये मेरे साथ के जो कलीग्स हैं ना, उन्हें उन लोगों के पास अमरूद थे और सेब थे, उन्होंने कहा कि उसका फास्ट है, और मेरा मूड भी ख़राब हो गया था. मैं कह भी रही थी मैं ना देखना तैयार हूँ कि नहीं आ पाई वो करके, तो वो मुझे कंसोल कर रहे थे दोनों लोग, कह नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कल तैयार होकर के आना. मैंने कहा या फिर आप शाम में तैयार हो लेना और आप हमें फ़ोटोज़ भेज देना, हम जो है देखेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे. अच्छी बात है, मतलब हमारे आसपास जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है ना, तो अगर हमारे इंटरनली नेगेटिविटी रहती है तो हम उस चीज़ से और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिविटी के साइड. अगर तो पॉजिटिविटी आती है ना, तो वो नेगेटिविटी को काटती है. तैयार हो गई, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. मैं जा रही हूँ अब गौरा पूजन करने, ये सारा सामान रेडी है, अब जाना मंदिर. Thank you.
मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मूड भी ठीक नहीं था, इसकी वजह से ना थोड़ा सा इरिटेशन सी हो रही थी। ऊपर से मैं प्रॉपरली तैयार होकर के कॉलेज भी नहीं जा पाई, तो और गुस्सा आ रहा था। लेकिन अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो अब पूजा भी करके आ गई हूँ। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि पूजा से पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। तो अभी मैं पूजा भी करके आ गई हूँ, गौरी माता का श्रृंगार करके आ गई, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इनके साथ गई क्योंकि मेजरली ये कभी होते नहीं है, जब भी मैं कोई पूजा वूजा करती हूँ तो ये या तो गुड़गांव होते हैं, कहीं और होते हैं, मतलब सिटी में नहीं होते, तो मैं इनके साथ पूजा करने नहीं जा पाती। तो इनके साथ मैं पूजा करने भी गई तो अच्छा लगा, हम दोनों को ही अच्छा लगा। और आज तीज भी है, स्पेशल डे है, तो मेरा लुक बताओ कैसा लग रहा है। और सुबह जब तैयार हुई थी तो मैं कोई फ़ोटो भी नहीं ले पाई थी क्योंकि कॉलेज जाना था, ऑलरेडी लेट हो गई थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना सुबह। बस कॉलेज से जब आई हूँ तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है और अब बस व्रत भी खोलूँगी, पूजा भी हो गई है, अब अच्छा लग रहा है। और आज तीज है तो दीदी और वरलेखा भी आए हुए हैं, वो नीचे हैं, अभी मैं ऊपर आई हूँ चेंज करने के लिए क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है, तो हैवी हैवी फील हो रहा है, अभी खाना खाना है। तो अभी चेंज कर लिया तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। मैं ये भी कॉलेज पहन के जा सकती थी, पता नहीं इस पर आयरन नहीं थी ना, तो इस वजह से। गाइस अभी एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई गई है, बनाई तो वरलेखा ने दी, उसके बाद नाक मैंने बनाई, लेकिन लेकिन हमारे पति देव ने एक दूसरे आदमी बनाया जो गुड़गांव में रहता था। शेडिंग कैसे कर रहे हैं मजनू भाई? उल्टी बाल ऐसे नीचे का होते हैं। मेरे गिरते हुए हैं ना पीछे। दिखा तो दो, बिंदी भी लगाई है नीचे से, तो बहुत ही बुरा लग रहा, भयानक। मैं रुक जाओ भी पूरा ऑन दो। डाकू आदमी लग रहा है पानी। ऐसी नहीं आ रही, कितनी पहले आ रही। मुझे तो अभी भी आ रही है। सही तो है। नहीं पेंटिंग अच्छी लग रही, तुम नहीं लग रहे हो, ये बिंदी हटा दो, क्या तो कालों में बाली भी पहनाओ। और अभी हम आ गए ऊपर और देख रहे हैं गरिमा दीदी का व्लॉग, गरिमाज व्लॉग, गरिमाज व्लॉग, आप चैनल को फॉलो कीजिए। इस पे डेली लाइफस्टाइल, रूटीन्स, ट्रैवल, ब्यूटी, ये सब के व्लॉग्स आते हैं। देखो पेड प्रमोशन, इसके लिए मुझे पैसे मिले। इनविजिबल पैसे, कल इस चीज के मैं पैसे लूंगी, अगर वो मेरा व्लॉग देख लें तो खुद से दान कर दें मुझे, ब्राह्मण समझ के। नहीं तो मैं कल करूंगी, देखो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। एंड गाइज दिस इज फॉर यू, सावन का महीना, घेवर करे शोर, जी आ रहा था बोले ऐसे जैसे फैनी घेवर, थोड़ा और ये आया प्लेन गया।